कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 रखा गया है। 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही दे दी थी, जिन्हें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस और 1,00,000 लोगों को पहले ही कैबिनेट में नौकरी देने का ऐलान किया। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नई पर्यटन नीति, कृषि बागवानी आयोग, नई वन एवं पर्यावरण नीति और स्पेशल फूड पार्क सहित कई बड़े ऐलान किए हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उन्हें पूरा भी करती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से राहत देने के लिए पार्टी ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, जिसे सरकार बनते ही लागू भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करती। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य ने इसे लागू कर दिया है, भाजपा इसको लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी का 17,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास है, जिसे देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य ने इसे लागू कर दिया है, भाजपा इसको लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों का 17,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास है, जिसे देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, लेकिन कारण नहीं बताया, क्योंकि इस पैसे को वापस नहीं लौटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार से पत्राचार करेगा और कानूनी सलाह भी ली जा रही है। यह पैसा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का अधिकार है, जिसे केंद्र सरकार से वापस लिया जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा की सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन ही बनाया और अपने चुनावी वादों को पूरा करने की जगह उसे चुनावी जुमला कहकर टाल दिया है। हिमाचल की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। 5 साल बाद आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादे पूरी करती आई है। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने जिस तत्परता से अपने वादे निभाए हैं, उसने एक उम्मीद जगाई है और कांग्रेस के प्रति जनता के मन में नया विश्वास पैदा किया है। इस विश्वास को देखते हुए हमने इस बार घोषणा पत्र जारी करने से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी है। इन गारंटियों में से 2 गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 1,00,000 सरकारी नौकरियों के बारे में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। इसके अलावा युवाओं को 5,00,000 रोजगार देने और अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड बनाकर हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इन गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने और 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। कांग्रेस ने यह भी गारंटी दी है कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सके। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालकों से 10 लीटर दूध हर दिन खरीदने और 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की गारंटी भी दी है। इन 10 गारंटियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए यह प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। यह प्रतिज्ञा पत्र हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से प्राप्त बहुमूल्य राय के मिश्रित सुझावों के आधार एवं जन समूहों की आकांक्षाओं के मद्देनजर तैयार किया गया है। महंगाई कम करने से जुड़े सारे फैसले केंद्र सरकार को करने हैं और राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित है, इसलिए हमने ध्यान रखा है कि महंगाई से त्रस्त जनता की जेब में या तो कुछ पैसे डाले जा सकें या उनकी जेब में कुछ पैसों की बचत हो सके। हमें विश्वास है इससे जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि हम इस प्रतिज्ञा पत्र में हिमाचल, हिमाचलियत और हम यानी हम सब लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें। ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र
नहीं है। मैं इसे रिपीट करूंगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि ये हिमाचल के इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति के अनुसार तैयार दस्तावेज है। यहाँ के लोगों से हमारा वादा है कि हम उनका गौरव कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने आपसे जो वादा किया है उसे पूरा भी किया है, आगे भी हम अपने हर वादे पूरे करेंगे, बस हमें जनता का साथ और विश्वास चाहिए। तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपए हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो है, जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सके। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे, तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने बहुत चीजों की व्यवस्था की है जिसमें आपको सारी चीज भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉर्डर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति, और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले, यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है ये सब की सलाह लेके किया। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे, जो प्री कोविड HRTC रूट थे वो तो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट जोगिंदर नगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे, इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी केंद्र सरकार। वन एवं पर्यावरण नीति भी है, उद्योगों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क, उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी, फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा, नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा, हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके, इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी जिससे वे महंगाई से लड़ सकेंगे। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1-time लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मानसिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाएगा। और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारे जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल करने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों के एक समिति बनाई गई। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएगी और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी, ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी जो मंदिरों का ये है। राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय, धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा।
और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, ओपीएस जिसे बोलते हैं, ये तो पहली कैबिनेट हो जाएगा। प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। और तीन अच्छा सवाल पूछा, और उस पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3,00,000 कर्मचारी अधिकारी हैं उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपये जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के हिसाब से, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर एक, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर दो, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर चार, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर पांच, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी पेंशन, कारणसीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। स्थिति क्या है, जीएसटी आप दूध में, अंडा में, ब्रेड में, आटा में, सब में लगा दी, पेट्रोल डीजल में थे ही, रसोई गैस में थे, लोगों की क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है, हमने छत्तीसगढ़ में किया है और यहां भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य का राजस्व भी मिलेगा, जितना जीएसटी क्रय करेगा उतने राज्य का जीएसटी जाएगा, उतना राज्यांश मिलेगा और फिर वित्तीय हम लोगों को अनुशासन बनाकर रखना पड़ेगा, तो जितनी घोषणा है वो आराम से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग भी कहते थे कि आप कहां ऋण माफी करेंगे, हमने ऋण माफी भी किया 9,500 करोड़ का और उसके बाद 2500 रुपए में धान भी खरीदी कर रहे हैं, 4000 प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ता भी खरीदे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल भी खोलते सभी विधानसभाओं में, 8000 क्लिनिक योजना भी चल रहा है भाई। यहाँ एक ऐसा उदाहरण बैठा है, पार्क हमने चालू कर दिया है, अभी मैं 600 करोड़ के रिलीज करके आया, 2 अक्टूबर को सब जगह भूमि पूजन करके आया, सभी 90 विधानसभा में 146 हमारे ब्लॉक है, तो उसे 300 जगह 2-2 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करके आए। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो आपने कहा ना कि यहाँ नौजवानों को देंगे, वो उस प्रकार की योजना हमने लागू कर दिया। और फिर इनके शासित राज्यों की स्थिति क्या, जैसे आप अभी कहा ना कि ये तो लोन ले रहे हैं, यहाँ 4 बार हो गए लोन लेते, मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ का लोन ले चुके हैं अभी तक के, छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक नहीं लिया है, छत्तीसगढ़ में हमने लोन नहीं लिया है। और इनके शासित जब डबल इंजिन है तब वहां लोन लिया जा रहा है, और जहां कांग्रेस की सरकार है अभी तक लोन नहीं लिए, ये डबल इंजन ही ट्रबल इंजन है। देखिए ऐसा न्यूज डेस्क एनवल लाइव।